गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप आयशा गुफ्ता। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टॉप 10 फाउंडेशन अंडर 50 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक। और ये फाउंडेशन आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग ले सकते हो। मतलब आप लोग ऑनलाइन ऐप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और पर्पल और नायका से भी बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हो। सारे लिंक्स विद प्राइजेस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी फाउंडेशन शेयर करूँगी वो सब अपने इंडिया के ही है, कोई भी बाहर का और आउट ऑफ का नहीं है। और यहाँ पे मैं ये फाउंडेशन इसके लिए शेयर कर रही हूँ ताकि बिगिनर्स और कम प्राइस से लेके ज़्यादा प्राइस तक आप लोग को कोई भी फाउंडेशन लेना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मैं यहाँ पे सारे रिव्यू एंड डेमो भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग ये प्लीज़ वीडियो देखते रहे। अगर आप लोग को कोई भी फाउंडेशन बाय करना है इन कम रेंज से लेके 1000 रुपीज़ तक, 50 to 1000 रुपीज़ तक के सारे फाउंडेशन हैं। और यहाँ पर टॉप 10 फाउंडेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो आप लोग को देखना है टॉप 10 फाउंडेशन के रिव्यू एंड डेमो, सो प्लीज़ देखते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स टोटली फ्री एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर रेगुलर अपडेट। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस फाउंडेशन। सो अगर आप लोगों को देखना है ये टॉप 10 फाउंडेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शेयर कर रही हूँ लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, और ये एक सबसे चीप फाउंडेशन है। मैं इसको चीप नहीं बोलूँगी, मतलब अच्छा फाउंडेशन है, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है बट इसके बारे में काफ़ी सुना है। और ये हमारे इंडिया का फाउंडेशन है, सबसे पहला शायद लॉन्च हुआ होगा और ये हर किसी के पास है। इसमें कॉम्पैक्ट भी है, ब्लश भी है, सब कुछ है इसमें। और ये बहुत ही सस्ता फाउंडेशन है, लाइक फॉर बिगिनर्स और प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन। और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मिलता है। ऑनलाइन इन द सेंस यू कैन बाय फ्रॉम एनी ऐप, नायका, पर्पल और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। मैंने उसको ऑफलाइन दिया है बॉम्बे मार्केट से और ये मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ का मिला है। सारे फाउंडेशन के प्राइस स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। सो ये इस तरह के कैप में है एंड ये इस तरह आता है एक इनर कैप में। स्मेल तो वाओ, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। और इसमें काफ़ी सारे स्किन शेड है और ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है। अगर आप लोग कम रेंज में अच्छा फाउंडेशन चाह रहे हो ताकि आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो या आपके मतलब लाइक टीनेज हो, तो यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। सो ये था मेरा फर्स्ट फाउंडेशन लैक्मे परफेक्टिंग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सेकेंड फाउंडेशन है फ्लोरिना का ब्लू हेवन कलेक्शन सिल्क स्मूथ फाउंडेशन, और ये इट सेज कि इट्स गिव हाई कवरेज। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है बट ये मैंने काफ़ी इसकी तारीफ़ें सुनी है, काफ़ी यूट्यूबर्स इसको यूज़ भी करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है ये इस फाउंडेशन से तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये इस तरह की कांच की बॉटल में आता है एंड दिस कम विद अ पंप लाइक दैट। सो और इसमें काफ़ी सारे स्क्रीन शेड है। सो ये आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे काफ़ी सस्ता है। ऑफलाइन का रेट मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन बाई किया है अमेज़ॉन से। ये भी बिगिनर्स के लिए अच्छा है अगर आप लोग कम प्राइस में कुछ अच्छा फाउंडेशन चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सामने ही मेंशन है इट सेज किड्स के वाटर रेसिस्टेंट हाई कवरेज सिल्क स्मूथ फाउंडेशन। ये हाई कवरेज देता है, इसने इस तरह ऐसा मेंशन किया है। और काफ़ी बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है, इसमें 175 लिखा है बट मुझे कम प्राइस में मिला है। सो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट सम गुड क्वालिटी फाउंडेशन, गो फॉर दिस। सो ये ब्लू हेवन का है क्या? सो ये तो मेरा सेकेंड फाउंडेशन। थर्ड फाउंडेशन है L18 लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। L18 इज मोस्ट कॉमन ब्रांड इन आर मेकअप इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों के पास L18 की लिपस्टिक, लाइनर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ये L18 का फाउंडेशन लिया है 27 ml का, और इसमें लिखा है लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन ब्लेंड्स ईजीली इन टू योर स्किन, इसमें मैंशन है। लाइक यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि कैसे यूज़ करते हैं, और इसके पीछे इसका प्राइस भी मेंशन है। मुझे 99 रुपीज़ में मिला है फ्रॉम अमेज़ॉन। और इसमें भी काफ़ी सारे स्क्रीन शेड है। अगर आप लोग और कम बजट में कुछ इस तरह का फाउंडेशन चाहते हो, ये बहुत सिंपल तरीके से है। इसकी बॉटल जस्ट ओपन एंड पोर इट एंड देन अप्लाई। सो इसमें इसकी भी फ्रेगरेंस काफ़ी हाई, लाइक एज एन परफ्यूम नहीं होता है वैसे इसकी फ्रेगरेंस है। सो ये फाउंडेशन भी आई होप सो अच्छा हो,
मेरी स्किन शेड का है कि नहीं पता नहीं, बट आई विल ट्राई। या L18 ब्रांड आप लोगों को पसंद है तो यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन। तो ये था मेरा थर्ड फाउंडेशन। नेक्स्ट फाउंडेशन है स्टे कोकी लिक्विड फाउंडेशन एनरिच विद विटामिन ई। ये फाउंडेशन इतना हाई कवरेज नहीं है बट ये बहुत ब्रांडेड फाउंडेशन है। स्टे कोकी बहुत ही अच्छा ब्रांड है, लाइक हर कोई इसको यूज़ करता है, बट ये मेरे स्किन पे उतना अच्छा कवरेज नहीं दिया, मतलब बहुत लो कवरेज है इसका। आई डोंट नो, शायद शेड नहीं है इसका मेरे स्किन से मैच या जो भी, मुझे नहीं अच्छा लगा, बट फिर भी आई ट्राई दिस। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेके अप्लाई करती हूँ तो जाके अप्लाई होता है, अदरवाइज ऐसे डिप डिप करके करूँ तो नहीं होता है। आई डोंट नो क्यू। एंड इसका प्राइस 165 स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएगा जो भी इसका प्राइस है। इसमें भी काफ़ी सारे शेड है, बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है इसमें मेंशन किया गया है। पर्पल में ये काफ़ी, मतलब ये फाउंडेशन आप लोगों को ज़्यादातर पर्पल ऐप में ही मिलेगा, ऑफलाइन भी मिल सकता है। और यहाँ पे इसका स्क्रीन शेड दिया है, शेड नंबर मेरा 1 है, सीक्रेट सेंड 1। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट फाउंडेशन है हमारा फेवरेट एंड मोस्ट वायरल फाउंडेशन फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली। मतलब इसमें नॉर्मल टू ऑयली, ऑयली टू ड्राई, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, ऑल टाइप्स ऑफ शेड, मतलब ऑल स्किन टाइप, क्या बोलूँगी मैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है। और ये 30 ml की बॉटल है, इसमें काफ़ी डिस्काउंट रहता है। फ्लिपकार्ट में आप लोग को अराउंड 300 और 250 तक का मिल जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट कॉपी होगा। ये इसका ओरिजिनल प्राइस जहाँ तक मुझे पता है 525 है, पर मुझे 425 का मिला है। मैंने उसको फर्स्ट ब्यूटी से बाय किया है। इसमें मेरे पास 3 शेड्स है, आइवरी 115 शेड, इसमें भी ऊपर शेड मेंशन है, और ये कांच की बॉटल में आता है। इट्स गिव अ कवरेज मीडियम, लो टू मीडियम और मीडियम टू हाई, मतलब लो टू मीडियम देता है, इतना हाई कवरेज भी नहीं है इसका। मतलब अगर आप लोग टीनेजर हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, ऑफिस गोइंग गर्ल हो, तो यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन। ये मतलब बहुत लाइट वेट है बट इट्स गिव अ गुड कवरेज, मतलब ये कवरेज क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। हाँ, लगता है कि हमने कुछ बेस लगाया है और बहुत लाइट वेट है। तो ये फाउंडेशन तो मेरा फेवरेट है, इसके लिए ख़त्म भी होने आया है, इसमें इतना है भी नहीं। और इसका प्राइस बहुत आगे पीछे है, मतलब अगर ऑनलाइन बाय करो तो यू कैन यूज़ एनी कोड और डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं एंड यू आर स्टेइंग इन मुंबई, यू कैन गो फॉर फर्स्ट ब्यूटी, और ब्यूटी सेंटर बॉम्बे में है, और ऑनलाइन आप लोग बाय कर सकते हो नायका, अमेजोन और वगैरह वगैरह जो भी ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मुझे तो 425 रुपीज़ का मिला है, एंड दिस इज़ ओरिजिनल फाउंडेशन ऑफ फिट मी। तो यार, दिस वॉज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है 925 फाउंडेशन, जो कि फ्लॉलेस मेकअप लिखा है इधर पे, फ्लॉलेस मेकअप देता है, एंड इसमें कोई स्किन शेड नहीं है, एंड दिस इज़ डूप फाउंडेशन, ओजी नहीं है। और मैंने उसको बॉम्बे सेंट्रल से बाय किया है, एंड दिस कम मतलब 200 रुपीज़ का है। मतलब मेरी स्किन को इसने थोड़ा बहुत कवरेज दिया। आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन मेरी स्किन लाइक थी, बेस अच्छा आया था इसमें, इतना हाई कवरेज नहीं था, नॉर्मल था कि मेरी स्किन टोन से एकदम अच्छे से मैच हो गया। एंड मैंने उसको काफ़ी टाइम यूज़ भी किया है। अगर आप लोग बॉम्बे से बाय करोगे, ऑनलाइन बाय करोगे, नायका में भी ये अवेलेबल है, तो ये फाउंडेशन बहुत 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 अच्छा है, बहुत स्टे करता है। 9 to 5 मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये फाउंडेशन रुकेगा। तो अगर आप लोग कुछ अच्छा फाउंडेशन चाह रहे हो, अच्छे कवरेज का, नॉट हाई कवरेज, मीडियम कवरेज एंड लॉन्ग लास्ट, और इसमें आई थिंक अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ही ये फाउंडेशन अप्लाई करें, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई फाउंडेशन है। सो या दिस इज़ ड्यू फर्स्ट कॉपी, इसके लिए मेरे स्किन को ऐसा कवरेज दिया। अगर ओरिजिनल आप लोग बाय करेंगे तो मे बी इट गिव अ गुड कवरेज। ओके, सो नेक्स्ट फाउंडेशन है रेवलॉन फोटो रेडी एयर ब्रश इफेक्ट मेकअप इन द शेड 00 वेनीला। एंड इट सेज कि इसके अंदर है SPF 20, व्हेन इट्स कम विद द 30 ml, और ये फाउंडेशन एयर ब्रश इफेक्ट देता है। एयर ब्रश इफेक्ट आप लोग ने सुना होगा, दैट भाप मशीन ऑफ फाउंडेशन जो हाई मेकअप आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी हाई कवरेज फाउंडेशन।
जो मतलब अगर आप ब्राइड हैं एंड योर मेकअप आर्टिस्ट, तो आप लोग ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस कॉस्ट ₹1100 और मुझे डिस्काउंट में 1000 रुपीज़ में मिल गया था। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल है। मैंने उसको ऑफलाइन लिया है फ्रॉम ब्यूटी सेंटर इन बॉम्बे, और इसमें काफ़ी सारे शेड है एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और देखो मैंने इसकी अभी तक प्लास्टिक भी नहीं निकाली, पर ये ख़त्म होने आया है, यू कैन सी। मैंने उसको बहुत यूज़ किया है एंड इट्स ऑल्सो कम विद द पम्प। एंड इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है, चाहे वो ब्लेंडर हो, स्पॉन्ज हो, या ब्रश हो, या आपका हाथ हो, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड लिटिल अमाउंट में इसको लेना पड़ता है। एंड ये ऑयल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, मतलब इसमें कोई स्मेल भी नहीं है। ये टोटली लाइक आप सुनेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड बहुत लॉन्ग लास्ट भी है। ये एक ऐसा फाउंडेशन है कि अगर आप लोग ने बस इसको बाय किया है, तो यू डोंट नीड टू बाय एनी अदर फाउंडेशन फॉर एनी वेडिंग और ओकेशन। अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो और डे स्किन ये वो, बहुत सारे फाउंडेशन मतलब लेना पड़ता है कि ये सूट नहीं होगा या ये लॉन्ग लास्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस ये फाउंडेशन अगर आप लोग ने बाय कर लिए तो यू आर डन। दिस इज़ वेरी वेरी गुड कवरेज फाउंडेशन, यू कैन ट्राई वंस। एक बार पैसे इन्वेस्ट कर लो, फ्री हो जाओ। फिर अगर आप लोग शादी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इसको अप्लाई करो। एंड इसका कॉम्पैक्ट भी आता है, कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड फाउंडेशन। सो या दिस इज़ माय नेक्स्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट फाउंडेशन है फेसेस कनाडा का वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन, एंटी एजिंग नेचुरल एक्सट्रैक्ट 18 ml। और ये फाउंडेशन ओरिजिनल है एंड दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। इतना सा ट्यूब, मतलब इतना सा ही होगा अंदर फाउंडेशन। ये मुझे ₹200 का मिला। इसका शेड नंबर है IVERY 01 शेड है मेरा। इसका ओरिजिनल बोल, इसका बड़ा बॉटल और बड़ा ट्यूब थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये मैंने एज एन फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, मतलब ट्राई करने के लिए मैंने ये फाउंडेशन ऑर्डर किया था। मैंने रिसेंट में अपनी हॉल वीडियो शेयर की उसमें। सो ये फेसेस कनाडा का वेटलेस मैट फाउंडेशन एंड आई होप ये अच्छा कवरेज दे, ताकि मैं इसका बड़ा ट्यूब बाय करके यूज़ कर सकूं। और मुझे फेसेस कनाडा ब्रांड बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये फाउंडेशन ऑर्डर किया था। अगर अच्छे कवरेज का, हाई क्वालिटी का आप लोग को फाउंडेशन चाहिए, एंड यू हैव टू ट्राई फर्स्ट कि आप लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करके अच्छा फाउंडेशन ट्राई करना चाह रहे हो, तो गो फॉर दिस फाउंडेशन। आई हाईली रिकमेंड दिस। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट आई डेफिनेटली थिंक कि ये अच्छा वर्क करेगा। इट विल गिव अ हाई कवरेज। सो दिस वॉज माई नेक्स्ट फाउंडेशन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट फाउंडेशन है मैट नेकलाइन ऑल फ्री स्किन फॉर्मिंग मॉइस्चराइजर। पता नहीं यार मॉइस्चराइजर क्यों अप्लाई, मतलब अप्लाई बोलूँ, मॉइस्चराइजर क्यों मैंशन रहता है। इट्स क्लियरली सेज कि इट्स अ फाउंडेशन एंड ऊपर फाउंडेशन है, नीचे मॉइस्चराइजर। मतलब इसमें ऑयल फ्री स्किन फॉर्मिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, मतलब इसमें इफेक्ट दिया गया है। इफ़ यू नॉट अप्लाइंग एनी मॉइस्चराइजर, गो विद द प्राइमर एंड यूज़ दिस फाउंडेशन। मैंने इस तरह का एक बीबी क्रीम भी लिया है, जो कि मैं अपनी रिसेंट वीडियो में बहुत यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ हाईली गुड कवरेज एंड प्राइस, सब कुछ ये बॉम फाउंडेशन है। एंड रियली लव दिस फाउंडेशन। इसको डेफिनेटली मैं और बाय करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर गया है। इसको अप्लाई करने के बाद यू डोंट नीड टू अप्लाई कॉम्पैक्ट। ऑल्सो ये इतना अच्छे से आपकी स्किन को मैटिफाइंग करता है, अच्छे से अप्लाई हो जाता है। आपकी बेस एक क्लियर, एक सिंगल लेयर बेस सेट करता है, और ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ अप्लाई किया गया है। सो या इसमें भी मॉइस्चराइजर बताया है, बट इट्स अ फाउंडेशन, बीबी फाउंडेशन। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाय वाला फाउंडेशन है मेरा। मतलब मैंने ब्रांड ही सुना नहीं है, एंड आई डोंट नो फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजोन से बाई किया इसको भी मैंने। और इसका प्राइस भी आई थिंक सो 99 or 100 rupees है, स्क्रीन पे आप लोग को दिख जाएगा। और ये ऑफलाइन है कि नहीं आई डोंट नो, बट ऑनलाइन है अमेजोन पे, मैंने वहीं से बाई किया। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग को ये फाउंडेशन भी बाई करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस। एंड हाई कवरेज है कि नहीं पता नहीं, इसमें SPF 50 है, ऑयल फ्री है, तो यू कैन यूज़ इसमें लिखा है ऑयल फ्री। सो या दिस इज़ माय नेक्स्ट फाउंडेशन। सो लास्ट फाउंडेशन है हुदा ब्यूटी, जो कि हर जबान पे है। हुदा ब्यूटी हर लड़कियों की जबान पे है,
जो मेकअप करती हैं ज़्यादा उस पर भी, और जिनको मेकअप नहीं आता उन पर भी हुदा ब्यूटी का ब्रांड इज़ वेरी कॉमन। और उसमें से कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जो कोई ऐसे कॉम्पैक्ट हाइलाइटर ब्लश आई शेडो मस्कारा काजल सारे के सारे हुदा ब्यूटी ही हैं, फर्स्ट कॉपी से लेके ओरिजिनल। ओरिजिनल तो मेरे हिसाब से यू कांट अफोर्ड, क्योंकि एक एक पैलेट चार चार पाँच पाँच हज़ार के होते हैं, फाउंडेशन ही 3,000 स्टार्टिंग है। सो इट्स अ ड्यू फाउंडेशन। और ये मेरे को रिसेंट आई शेडो मैंने बाई किया था ऑनलाइन क्लॉथ एंड मेकअप स्टोर से इंस्टाग्राम पे, सो वहाँ से मुझे ये फाउंडेशन मिला है, वो खुद ही फाउंडेशन मुझे दी है एज अ गिफ्ट। सो ये फाउंडेशन कॉस्ट ₹250, एंड अगर आप लोग को ये फाउंडेशन बाय करना है, इट्स सेज कि इट गिव हाई कवरेज, और इसमें काफ़ी सारे शेड है और ये हाई कवरेज है, क्योंकि आई डोंट नो मेरी स्किन टाइप के भी हिसाब से है। मैंने इसको यूज़ किया है बट मैंने शो नहीं किया, मैं इसको यूज़ करके गई थी बाहर, तो इसका कवरेज अच्छा था। अगर आप लोग ड्यूप में अच्छे प्राइस में हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं तो यू कैन बाय दिस फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर, नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ऑनलाइन क्लॉथ एंड मेकअप, जो कि एक शिफा में शिफा करके वो इंस्टाग्राम आईडी हैंडल करते हैं। सो और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है कुछ ऐप में, नायका ऐप में। अगर आप लोग ओरिजिनल फाउंडेशन बाय करना चाहते हैं हुदा ब्यूटी का, यू कैन गो फॉर नायका और पर्पल, और ऑफलाइन फर्स्ट ब्यूटी और बॉम्बे सेंटर अगर यू स्टेइंग इन मुंबई। सो या दिस वॉज माई लास्ट 10 फाउंडेशन, मुँह दुख गया। सो या दिस वॉज माई 10 टॉप 10 फाउंडेशन, ईजी अवेलेबल इन इंडिया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरफ से आप लोग बाय कर सकते हैं। आई होप मैंने अच्छे से इस वीडियो में सारे फाउंडेशन को एक्सप्लेन किया है, नहीं समझ आया तो आई एम रियली सॉरी, समझ आया तो यू कैन कमेंट कि वीडियो फाउंडेशन फाउंडेशन बोलो कि वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू कमेंट मी, एंड यू कैन आस्क मी कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस फाउंडेशन और फ्यूचर वीडियो रिलेटेड जो भी है। और अभी तक पूरी वीडियो देख लियो एंड आई हैवन सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स रियली मीन अ लॉट टू मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। सो या दिस वॉज माई टॉप 10 फाउंडेशन वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। सो अच्छी लगे तो लाइक करना, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।